अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महेश कोचरा है और आज जो मेरे साथ जुड़ी हैं इनसे एक हफ्ता पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, मैडम रोजीना खान, इनको प्यार से मिस रोज़ खान कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इनको डिस्ट्रिक्ट साउथ का इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग्स का बनाया गया, तो बाकायदा तौर पर आपने अपना चार्ज भी संभाली। मिस मैरी कंग्रेचुलेशन। अब जो आपको हमने बुलाया है वो बुलाने का मकसद ये कि एक बहुत बड़ी पोस्ट मिली है आपको, आप वुमेन विंग की इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी। अब आप मुझे बताइए कि वुमेन्स किस तरह आपसे रब्ता करेंगे। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, इससे जरा करेक्ट कीजिएगा, मिस डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और दूसरा ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वुमेंस के लिए बहुत हद तक इस तरह काम करना चाह रही हूँ कि वुमेंस अपने पाँव पे खुद खड़ी हो और खुद इख्तियारत हो उनके पास, कम अज़ कम वो किसी के जेंट्स पे वो नट बटन ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमने मैंने जिस इलाकों में काम किया है और साउथ के मैं तीन इलाकों से गुजरी हूँ, उसमें सबसे बड़ा जो मुतासर इलाका है अच्छा बस ये बताइए कि जिन वुमेंस को किसी भी किस्म के मसाइल का सामना है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, तो वो आपसे रब्ता कैसे करें? वो मुझसे रब्ता ये कि मैं अपनी ऑफिस में मेरी पहली ऑफिस थी खड़ा मार्केट के अंदर, वो बहुत नज़दीक है लियारी के अंदर, मेरे ख्याल से विष्णु माम बारगाह के सामने वहाँ कितने बजे से कितने बजे तक होती हैं? मैं 1 से 3 बजे तक वहाँ होती हूँ, कभी कभी 4 बजे तक। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, खड्डा मार्केट के पास एक बहुत ही मशहूर इमाम बारगाह है जिसको बशू इमाम बारगाह कहते हैं, उनके बिल्कुल सामने मिस का ऑफिस है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और कभी कभार 4 बजे तक भी मिस वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं, तो आप वहाँ जाके उनसे मिल सकती हैं, आपके जो भी मसाइल हैं उनको बता सकती हैं। अच्छा मिस, कुछ खवातीन तो ऐसी भी होती हैं मसाइल होने के बावजूद भी बेचारी घर से नहीं निकल पाती, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? लेकिन आपके पास किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है कि वो किसी भी किस्म के मसाइल से गुजर रही है, तो फिर उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं खुद उनके घर जाऊंगी। अच्छा, मैं खुद उनके घर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, अगर किसी मसाइल में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो पेशेंट किस किस किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स डील कर सकती हैं, आपको कौन कौन सी खवातीन आ सकती हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आता है कि लेडीज को बच्चियों को कम पढ़ाया जाता है, सबसे बड़ा इशू ये रहता है, ये बहुत बड़ा आदमी है और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हमारे पर बच्चियों के लिए जुल्म भी है। मैं चाहती हूँ कि बच्चियों को पढ़ाया जाए, कब उम्र की शादी ना हो, क्योंकि कब उम्र की जो शादी होती है वो ज़्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होती है, या बच्ची या उसमें, हाँ उसमें हमें काम करना है, हमें नहीं, मुझे नहीं, हम सबको मिलकर करना है, उन लेडीज़ को भी करना है, उन माओं को भी करना है, उन बहनों को भी करना है, जो 16 साल 17 साल की शादी कर देती है, बहुत समझ के बच्ची को अच्छी पहुँच नहीं होती है, बच्ची को पढ़ाए डॉक्टर बनाए, डॉक्टर ना सही है, इतना तो पढ़ाए तो अपने पाँव पे कर लीजिए। और जिनके साथ घर में मारपीट होती है उनके लिए क्या? हाँ उनके लिए भी है, हमारी मैडम मैडम शोना रज़ा ने कमीशन बनाई हुई है, हमारी वुमेंस के डिपार्टमेंट की वो मिनिस्टर हैं और वो बाकायदे उस पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अगर वो कोई ऐसी प्रॉब्लम में है वो हमसे हमें बता सकती है, हम खुद उनके घर पर जाएंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे मारने वाले के लिए, हम मर्द हजरात हो जाए होशियार, क्योंकि अब आप अगर आपने किसी की कुटाई लगाई तो फिर पीछे आपके साथ भी वही होगा। अच्छा एजुकेशन का आपने कहा, ये तो बहुत अच्छा था, आपने कहा कि कम उम्र की शादी को रोकेंगी, ये बहुत अच्छा है, स्पेशली जिन पर तशद्दुद होता है उनकी आप आवाज़ बनेंगी। इसके अलावा मेरी एक और ख्वाहिश है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं यहाँ की काफ़ी हद तक तरक्की कर रही है, हम लोगों ने भी कोशिश की है, कभी आप आपकी तरह हम तवस्सुस से बच्चों की तवस्सुस से छोटे छोटे प्रोग्राम ही सही, लेकिन घर घर पहुँचाएँ, हम चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादातर हर शो के लिए अवेयरनेस सेशन होना चाहिए और उसके साथ माओ का भी होना चाहिए। अच्छा आपका काम सिर्फ परेशानियों को या मुसीबतों को हैंडल करना है या इसके अलावा उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी देनी है, जैसे कि अपनी सिलाई कढ़ाई का आपने उनको सेटअप लगा दिया या कोई कंप्यूटर, कोई लैंग्वेज? वो तो मैं आपको बताया कि मैं एक शो
मुश्किल मत करूँ, मेरा एक खुद का भी शौक है, मुझे अच्छा लगता है, वक्तन फवक्तन में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपने इलाके में। उसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे स्कूल में इनका चौथा विजिट है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी सोशल एक्टिव है। मैं तो चाहती हूँ कि आपके स्कूल की तरह मैं हर यार कितने स्कूल बनाऊँ ताकि एजुकेशन फ्री हो जाए। कोई माँ ये कहते हैं कि मेरे पास फीस नहीं हो, मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उस माँ के लिए मुसीबत के घड़ी होती है जो अपने बच्चों को फीस नहीं दे सकती, उसका ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, उसकी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उस माँ को ही पता होगा जिसका बच्चा होता है। और ये सारा मुश्किल जो आती है तो साउथ में कम अज़ कम इसका 12-13 इलाका गरीब इलाकों में शामिल होता है, डिफेंस को छोड़ के बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं साउथ में, जितने अच्छे भी हैं। कल्याणी जो इस वक्त है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, यहाँ के तकरीबन इलाके गरीब कहलाते हैं और गरीब लोगों का यहाँ वास्ता है। और हमारी यहाँ की माएँ बहने मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि हमारी माएँ बहने ज़्यादातर आगे जाके झाड़ू पोंछा करती है। मैं चाहती हूँ कि वो इंशाल्लाह आगे कुछ भी ऐसा काम ना करें, एटलीस्ट फ्यूचर में हमारी बच्चियाँ ये काम ना करें, दे डू सम वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। और मैं तो यही कहूँगा कि खवातीन हैं तो जो है वो मर्दों की तरह। इसके अलावा मैं अपने मिनिस्टरों को भी कहूँगी क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ी पावर्स दी भी है, अगर है भी हमारे मिनिस्टर जो है मुजाहरे पार्टी से किए, और मैं उनसे भी अपील भी करना चाहूँगी कि वो हमें इस काम के लिए बढ़ के बिल्कुल जितना सब मिलजुल के करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं दो तीन समय छुट्टी लिए आपके सामने काम करी, एजुकेशन के ऊपर तो आप काम करती हैं वो मैंने देखा है, दूसरी खवातीन के लिए भी आप काम करती हैं, और इसके अलावा मैं मॉनिटरिंग विंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करना चाहूँगी, क्योंकि मॉनिटरिंग विंग की जो लेडीज थी हमारी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ, मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है। ये स्कूल जिससे जहाँ में हमने इस वक्त काम करे यहाँ पर आधे से ज़्यादा बच्चे मॉनिटरिंग विंग के पढ़े, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इस तरह हमारी यहाँ पर कुछ और भी कमेटी है जिसमें क्रिश्चियन कमेटी भी कहलाती है, अच्छा क्रिश्चियन कम्युनिटी का आपने तस्करा किया तो मैं बताता चलूँ कि 2-3 दिन के बाद क्रिसमस आ रहा है और हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि देखिए 4-5 चीज़ें मिसने क्लियर कर दी हैं कि अगर एजुकेशन के ऊपर आपको अपने बच्चों को लेके कोई भी मसला है स्पेशली फीमेल्स को लेके तो आप इनसे रब्ता करें, अगर किसी भी किस्म के घरेलू मसाइल का आपको सामना आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा आपकी तो आप इससे रब्ता करें, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई वुमेंस को लेकर कोई अच्छे आइडियाज़ हैं आपके पास कोई अच्छे प्रोग्राम्स हैं तो वो लेके मैं इसके पास जाएँ। मैं आपको दोबारा इनके ऑफिस का एड्रेस बता देता हूँ कि खड्डा मार्केट में मशहूर माम वर्ग है उनके बिल्कुल सामने इनके ऑफिस से एक बजे लेकर 3-4 बजे की वहाँ मौजूद रहती हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के टाइमलाइन के अंदर हम उनका नंबर भी शेयर कर देंगे, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं आप नहीं जा सकती तो आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू उनसे रब्ता करें और ये खुद आपसे रब्ता करेंगे और आपका मसला हल करेंगी। एंड थैंक यू सो मच मिस, आपने दोबारा वक्त निकाला और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिलीवर की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से काफ़ी सारी फीमेल्स को फ़ायदा उठाएंगी और आप बिल्कुल उनके मसाइल हल करेंगी। और आखिरी में हम यही कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे मुल्क की खवातीन जिंदाबाद। अपना बेहद बेहतर बेपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। महेश कोचरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।